सूफी इस्लामिक बोर्ड ने पीएफआई की कर्नाटक विंग के ट्विटर अकाउंट को वेरीफाइड करने पर जताया विरोध। कहा पीएफआई के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले, ऐसे में ब्लू टिक देना ट्विटर की बड़ी गलती। दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर गृहमंत्री अमित शाह ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, एनएसए अजीत डोभाल, डीजीपी दिलबाग सिंह और उपराज्यपाल समेत कई लोग शामिल। केंद्र सरकार जून के आखिरी तक जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों से बात कर सकती है, केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने को लेकर चर्चा की उम्मीद। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी, अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक 66% अप्रूवल रेटिंग के साथ मोदी पहले नंबर पर पहुंचे, दूसरे नंबर पर इटली के पीएम, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन छठे नंबर पर। दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचे एलजेपी के चाचा और भतीजे गुट की जंग, एलजेपी पर दावेदारी को लेकर चिराग और पशुपति पारस गुट चुनाव आयोग से मिले, दोनों ने पार्टी के नाम और निशान को अपना बताया। दिल्ली पहुंचे पशुपति पारस का बयान, कहा चिराग को पार्टी संविधान की जानकारी नहीं, अब वो अध्यक्ष नहीं रहे लिहाजा पार्टी बैठक बुलाने का हक नहीं। चिराग गुट ने कहा अवैध तरीके से अध्यक्ष बने पशुपति पारस। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इंटरव्यू में कहा पशुपति पारस ही एलजेपी संसदीय दल के नेता, इस पर कोई पुनर्विचार नहीं होना है, एलजेपी का संविधान क्या कहता है वो अलग बात है लेकिन सांसद ने अपने नियम बनाए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।